हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन फीमेल के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कौन से टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, किस टाइप का प्लेसेंटा होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिव अ ब्रीफ नोट ओवर एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा भले ही एक डिस्क शेप ऑर्गन है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, लेकिन प्लेसेंटा इसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है एंड दैट प्ले वाइटल रोल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग पार्ट ड्यूरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ यंग वन। तो आज हमारा मेजर फोकस रहेगा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दूं कि किस टाइप की प्लेसेंटा एग्जिस्ट करती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। तो कम ओवर प्लेसेंटा डेफिनेशन होप्स आपको क्लियर ही होगी कि प्लेसेंटा इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विथ मैटरनल टिश्यू। कि जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, फिटस की जो मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो की जो मेम्ब्रेन है और मदर के एंडोमेट्रियम के बीच में जो कनेक्शन है, इंटीमेट कनेक्शन है जिसके थ्रू नरिशमेंट मिलता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, उस डिस्क शेप ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। अब आता है कि किस टाइप की प्लेसेंटा एग्जिस्ट करती है ह्यूमन फीमेल में। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हमने इसको अलग अलग टाइप की कैटेगराइजेशन दी है। सबसे पहले टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। जो प्लेसेंटा है इट टोटली इंटीमेट इंटरडिजिटेशन शो करती है विद एंडोमेट्रियम, तो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होती है। यदि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं इम्प्लांटेशन, तो आपने पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस कम्प्लीटली बरिड इनसाइड द एंडोमेट्रियम और जो मेटरनल टिश्यू होती है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वो पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देती है। तो इसका मतलब जो प्लेसेंटा है इट इज ऑल्सो अटैच विद द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस और पूरी तरह से एम्बेडेड होता है। तो जब पार्टुरेशन होगी और प्लेसेंटा वहां से हटेगा तो कंप्लीट वॉल को कोरोड करता हुआ लेके आएगा एंड इट लीड टू सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग पार्टुरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी हमने इस प्लेसेंटा को क्या नाम दिया, डेसिडुएट प्लेसेंटा। व्हाट डू मीन बाय डेसिडुएट प्लेसेंटा, इन दिस टाइप कोरियोनिक विलाई। आपने पढ़ा था कि ट्रोफोडम किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, विच अलाउ इम्प्लांटेशन एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोरियोनिक विलाई। आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ डेसीडुआ। हेयर वॉट यू मीन बाई डेसीडुआ, डेसीडुआ इज मेटरनल पार्ट ऑफ मेटरनल टिश्यू या यूटेराइन पार्ट को जो ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड करता है या ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसीडुआ। होल ब्लास्टोसिस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टू एंडोमेट्रियम हैज ड्यूरिंग पार्टुरेशन डेसीडुआ स्लफ्ड ऑफ, पूरी तरह से स्लफिंग होती है, झड़ता है न्यू बॉर्न विद सीवियर ब्लीडिंग। उसके बेस पे, इंटीमेसी के बेस पे हमने प्लेसेंटा को कैसा नाम दिया, डेसिडुएट। जैसे काउ बफेलो की बात करें तो उनके अंदर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन थी, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा था, लेकिन ह्यूमन एप्स मंकी इनके अंदर कैसा प्लेसेंटा पाया गया है, डेसिडुएट प्लेसेंटा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पे लोकेटेड है प्लेसेंटा, होल प्लेसेंटा रिमेन इंसर्टेड इन एंडोमेट्रियम, इंटरस्टिशियल स्पेस में लोकेटेड है, एंडोमेट्रियम के अंदर बरिड है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, कोरियोन, एम्नियोन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। तो इन चारों लेयर में से सिर्फ दो लेयर ही पार्टिसिपेट करती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, कोरियोन एंड माइनर एलेंटॉइस। मैंने बताया था एलेंटॉइस पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज या रिपेयरिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज अक्रॉस प्लेसेंटा। तो दो लेयर पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसीलिए इसको बोला हमने कोरियो। कोरियो वर्ड कम फ्रॉम कोरियोन, एलेंटॉइस कम फ्रॉम एलेंटॉइस। तो दो लेयर पार्टिसिपेट कर रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कोरियो एलेंटॉइस प्लेसेंटा। ये तो थी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कि किस तरह का प्लेसेंटा कहा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी, पार्टिसिपेशन ऑफ टिश्यू। कि जब ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा बनता है तो कितने टाइप के टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, तो थ्री टिश्यू पार्टिसिपेट एंड दैट प्लेसेंटा इज सेड टू बी हीमोकोरियल। हीमो का मतलब ब्लड, कोरियल का मतलब कोरियोन। कि जो फिटस का एम्ब्रियो का जो कोरियोन है वो मदर के ब्लड में डिप्ड है। डिप्ड का मतलब भीगा हुआ, मतलब मैटरनल ब्लड से सीधा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहाँ पास आउट होता जा रहा है, कोरियोन के पास। इन दिस टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड कैपिलरी फिटल कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरियोन डिप्ड इन मैटरनल ब्लड। तो आपको कितनी लेयर दिख रही है बच्चों, एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की एंडोमेट्रियम, फिटल कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरियोन। कोरियोन भी, ये जो फिटल कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरियोन किधर का पार्ट है, किधर का पार्ट है बच्चों, एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड कैपिलरी
एंडोमेट्रियम और एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी बच्चे की फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉरियन डायरेक्टली कहाँ पे एंडोमेट्रियम सॉरी दिस इज सेड द हेयर द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एंडोथेलियम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं तो ये था कॉरियोनिक विलाई के ऊपर था बच्चों कनेक्टिव टिश्यू और दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये स्ट्रक्चर क्या था ब्लड कैपिलरी ऑफ फिटल साइड। ये मदर के ब्लड में क्या है डिप्ड है तो जो मदर के ब्लड में ऑक्सीजन है वो कहाँ आ रही है प्लेसेंटा के अंदर और CO2 कहाँ जा रही है मेटरनल ब्लड में तो कितनी लेयर को क्रॉस करके आ रही है 3 barriers। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हाउ मेनी बैरियर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लेसेंटा या कितने बैरियर के अक्रॉस एक्सचेंज होता है गैसेस का या न्यूट्रिएंट का 3। तो जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ही प्रिमिटिव प्लेसेंटा होगा और जितनी लेस लेयर्स होंगी जितने कम बैरियर्स होंगे उतना ही एडवांस प्लेसेंटा होगा। तो प्लेसेंटा ऑल्सो डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो आपसे सिंपली 1 mark में पूछा जाए नेम द प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल या डेवलप ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी तो आप किसके ऊपर फोकस करेंगे हीमोकोरियल। तो रेस्ट टर्म सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट था आप इस पे फोकस करें हीमोकोरियल प्लेसेंटा। व्हाट डू मीन बाय हीमोकोरियल द कोरियन पार्ट ऑफ फीटस द कोरियन पार्ट ऑफ एम्ब्रियो कम्प्लीटली डिप्ड इन ह्यूमन मेटरनल ब्लड ब्लड के अंदर डिप्ड है एंड दैट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल एंड हाउ मेनी बैरियर प्रेजेंट इन प्लेसेंटा इज 3। नेक्स्ट है शेप ऑफ प्लेसेंटा कैसी शेप होती है प्लेसेंटा की। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं पिक्चर आपने पढ़ा था कि ये ब्लास्टोसिस्ट थी और ये था इनर सेल मास याद आ रहा होगा आपको कल भी हमने गेस्टुलेशन पढ़ा था तो आप ध्यान से देखें कि ये इनर सेल मास था ये ट्रोफोडर्म था। ट्रोफोडर्म अल्टीमेट ट्रांसफॉर्म इंटू कोरियोनिक विलाई इस तरह की कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है बेटा एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। लेकिन जैसे जैसे प्लेसेंटा बनना शुरू होता है इम्प्लांटेशन 25th डे ऑफ प्रेगनेंसी 25वें दिन तक प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। और यदि मैं कहूँ कि जो विलाई है जो यूटराइन एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट को सक कर रही है ये लेटर स्टेज में एक ही पार्ट पे रह जाती है मतलब धीरे धीरे कोरियोनिक विलाई सिर्फ कहाँ पे लोकलाइज हो जाती है एक सिंगल पॉइंट पे एंड दैट स्ट्रक्चर डेवलप इनटू प्लेसेंटा दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी प्लेसेंटा। तो आपने क्या देखा कि जो पूरे सरफेस पे ब्लास्टोसिस्ट के कोरियोनिक विलाई थे दे रिमेन्ड और एक्वायर अ सिंगल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसको आपने क्या कहा प्लेसेंटा। तो शेप कैसी है इसकी डिस्कॉइडल और डिस्क शेप तो आपको यहाँ पे कितने डिस्क दिख रहे हैं इस ह्यूमन एम्ब्रियो में 1 दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मोनो डिस्कॉइडल। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई इट इज सेड टू बी मोनो डिस्कॉइडल इन अर्ली स्टेज द होल ब्लास्टोसिस्ट सराउंडेड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दैट इज सेड टू बी कोरियोनिक विलाई बट आफ्टर इम्प्लांटेशन एज सून एज प्लेसेंटा गेट फुली मेच्योर्ड या पूरी तरह से बनता है तब ये कोरियोनिक विलाई सिर्फ एक ही पॉइंट पे रह जाती है डिस्क फॉर्म में रह जाती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी प्लेसेंटा एंड ओनली 1 डिस्क इज फाउंड इन ह्यूमन एम्ब्रियो दैट्स व्हाई प्लेसेंटा इज सेड टू बी मोनो डिस्कॉइडल। जैसे यदि हम मंकी की बात करें तो उसके अंदर 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक डिस्क इधर एक डिस्क इधर तो कितने प्लेसेंटा कितने दिखाई दे रहे कितने डिस्क दिखाई दे रहे 2 तो उसको हम क्या बोलेंगे बाई डिस्कॉइडल। तो यहाँ पे मोनो डिस्कॉइडल प्लेसेंटा मिलती है किसके अंदर ह्यूमन फीमेल में। अब जो ये प्लेसेंटा आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ह्यूमन एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है तो किस लंबे ट्यूब के थ्रू ये कनेक्टेड है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 meter लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में आहार नली भी बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को आपस में क्या करता है कनेक्ट करता है मतलब प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सचेंज कराना है वो किसके अक्रॉस होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अक्रॉस। अब आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक पे रोल ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। प्लेसेंटा एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है रिकरेंट ग्लैंड कह सकते हैं व्हाइट इज सेड टू बी रिकरेंट ग्लैंड क्योंकि ये डेवलप होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन इट इज रिलीज स्लव्ड ऑफ बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ फीमेल के अंदर ये ग्लैंड कब डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो रहा है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये हॉर्मोन रिलीज करता है दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रिकरेंट ग्लैंड। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिशन। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन कि जो मदर के ब्लड से सारा न्यूट्रिएंट है अमीनो एसिड्स हैं फैटी एसिड्स हैं ग्लूकोज है वो फिटस तक पहुंचता है एम्ब्रियो तक पहुंचता है क्रॉस प्लेसेंटा।
तो सभी न्यूट्रिशन किसके थ्रू पास आउट होता है, प्लेसेंटा के क्रॉस, तो इट प्ले वाइटल रोल इन न्यूट्रिशन। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ब्लड से कहा जा रहा है डिजोल्व फॉर्म में एम्ब्रियो तक, एंड CO2 कहा आ रहा है मैटरनल ब्लड में, दैट फिनोमेना इज सेड टू बी रेस्पिरेशन। थर्ड इज एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है एम्ब्रियो और फिटस वो मदर ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है, और मदर ब्लड से वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, किडनी के अक्रॉस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला आपने, एक्सक्रीशन। अब बात आती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कैलोरी की डिमांड है ह्यूमन फीमेल की बॉडी में, क्योंकि फिटस एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। तो प्लेसेंटा का काम सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं कराना न्यूट्रिएंट, इट ऑल्सो बिहेव एज रिजर्वॉयर। व्हाट डू मीन बाय रिजर्वॉयर, कि ये एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन एंड फैट को स्टोर करता है। सपोज मदर फास्टिंग में है या मदर को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो बेबी को अनइंटरप्टेड न्यूट्रिएंट सप्लाई बनी रहे। अनइंटरप्टेड का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल गया फिर थोड़ा कम मिल रहा है, टू फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट जो प्लेसेंटा है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड, ताकि जो बच्चा है फिटस है यंग वन जो डेवलप हो रहा है उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट सप्लाई होती रहे। नेक्स्ट है एक्ट एज बैरियर, कि मदर से अनवांटेड चीजें ट्रांसफर ना हो कहां तक, फिटस तक, ताकि उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन में इंटरफेरेंस ना हो। तो प्लेसेंटा का सिर्फ काम नरिशमेंट ही नहीं देना, एक्सक्रीशन ही नहीं कराना, रेस्पिरेशन ही नहीं कराना, उसके अलावा वो बैरियर की तरह भी बिहेव करती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं दे इवन क्रॉस प्लेसेंटा, फॉर एग्जाम्पल इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, एड्स सफरर मदर है, तो HIV क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। लेकिन आजकल कुछ ऐसे ड्रग्स आ चुके हैं जो HIV को क्रॉस नहीं होने देते, और HIV पेशेंट HIV फीमेल में भी हम हेल्दी बेबी रिकवर करा सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि प्रेगनेंसी है तो कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन प्रोहिबिटेड होती है, अल्कोहल प्रोहिबिटेड होता है, कुछ पेन किलर्स प्रोहिबिटेड होते हैं। क्यों प्रोहिबिटेड होते हैं, ये क्यों रोके जाते हैं, क्यों नहीं दिए जाते प्रेगनेंट लेडी को, बिकॉज सर्टेन ड्रग्स बिहेव एज टेरेटोजन्स। टेरेटोजन्स आर एजेंट विच क्रॉस द प्लेसेंटा and interfering organ formation, for example alcohol, thalidomide and certain painkillers। बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जो बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट या लीथल इफेक्ट कॉज करती है फिटस में, प्लेसेंटा उनको रोक नहीं पाती, और ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, टेरेटोजन्स। दिस लीड टू ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल क्रिपेलिटी इन यंग वन, जो बच्चे पैदा होते हैं मानसिक रूप से या उनकी फिजिकली क्रिपेलिटी नोटिस होती है, और उस सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, टेरेटोजन्स। तो टेरेटोजन्स बहुत ही अजीब ग्रोथ कराता है फिटस के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट, मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स कहा जाता है इनको, जो जनरली प्रोहिबिटेड होता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है फीमेल प्रेग्नेंट लेडी के लिए। नेक्स्ट है, इसके अलावा प्लेसेंटा क्या करता है, कि आपने पढ़ा कि जो प्राइमरी ब्लड फॉर्मेशन होती है फिटस के अंदर वो कहाँ चलती है बच्चों, योक सैक में। तो उस बच्चे को इम्यूनिटी भी चाहिए, तो उसको सबसे पहले बाय बर्थ इम्यूनिटी कौन देती है, प्लेसेंटा। कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं विच क्रॉस द प्लेसेंटा, इसके ऊपर फोकस करिएगा, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा विच क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड इननेट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी किसको क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को, मदर ब्लड से कहाँ चला जाता है, यंग वन में, और जब यंग वन पैदा होता है तो बाय बर्थ उसके अंदर जो इम्यूनिटी आती है, और उस इम्यूनिटी के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है, IgG। आप बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे, IgA, IgE, IgG, IgM, बहुत सारे टाइप के, डाइवर्स टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं मदर के ब्लड में एडल्ट के अंदर। लेकिन प्लेसेंटा के क्रॉस सिर्फ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस करता है, IgG। तो जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी बॉडी में बाय बर्थ कुछ इम्यूनिटी है, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू प्लेसेंटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे,
कि प्लेसेंटा इटसेल्फ बिहेव एंडोक्राइन फंक्शन. व्हाट डू मीन बाय एंडोक्राइन? एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन रिलीजिंग, कि प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं. तो क्या प्लेसेंटा? आपने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े हैं प्लस वन में, लाइक थायराइड ग्लैंड, ओवरी, थीमस, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े हैं थीमस. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा डेवलप ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सिर्फ प्रेगनेंसी में डेवलप हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रिकरेंट ग्लैंड. नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगेन प्लेसेंटा डेवलप, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रिकरेंट ग्लैंड. अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क में आपके बोर्ड का मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कीजिएगा. क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्लेसेंटा बिहेव एज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर जस्टिफाइड. अब तक आप लोअर क्लास से यही पढ़ते आ रहे थे कि प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देता है, रेस्पिरेशन देता है, एक्सक्रीशन कराता है या कुछ बैरियर की तरह बिहेव करता है. लेकिन हमारे प्लस टू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का, कि प्लेसेंटा को एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है और उसका मेन काम क्या है. तो प्लेसेंटा डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो प्लेसेंटा का आपको समझ में आता होगा कि इट मेंटेन द प्रेगनेंसी. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों कि जो फिटस की ग्रोथ हो रही है उसको डिसाइड करता है कि प्रॉपर एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकन रहे. तो प्लेसेंटा 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है. फर्स्ट वन इज प्रोटीनिशियस हार्मोन एंड सेकेंड वन इज स्टेरॉयडल हार्मोन. जो प्रोटीन से बने हैं, जो अमीनो एसिड से बने हैं, उन हॉर्मोन्स को क्या कहा गया है हमने? प्रोटीनिशियस. और जो फैटी एसिड इन ओरिजिन है उनको आपने क्या कहा है? स्टेरॉयडल हॉर्मोन. तो प्रोटीनिशियस हॉर्मोन मेजर आपके एनसीईआरटी में 2 हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 डिस्कस करेंगे. ये कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं. सबसे पहला हॉर्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. कोरियोन वर्ड, जैसे ही कोरियोन बनता है, कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है, तो सबसे पहला अर्ली जो प्रेगनेंसी हम कहें कि 7वें 8वें 8वें दिन से ही फीमेल के ब्लड में किसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है? HCG का. तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. कि नॉर्मली यदि नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके ब्लड में HCG एबसेंट होगा, लेकिन उसमें कंसेप्शन हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो उसके ब्लड में कौन सा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा? HCG. तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ऑल्सो बेस्ड ओवर HCG. अब क्या फंक्शन है इसका? तो दिस स्टिमुलेट एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम. कहाँ पढ़ा था आपने कॉर्पस ल्यूटियम? आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर्ड बॉडी विच रिलीज प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग को क्या रखता है? थिक रखता है, क्योंकि जितनी लाइनिंग थिक रहेगी इम्प्लांटेशन उतनी बेटर होगी. तो HCG इसकी शेप को मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, हैंस अल्टीमेट मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग होल जेस्टेशन पीरियड. सेकेंड आ जाते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. नाम से क्लियर हो रहा है लैक्टोजन. लैक्टो का वर्ड होता है मिल्क, जन का मतलब प्रोड्यूसिंग. तो ये मेमोरी ग्लैंड की साइज को इनलार्ज करता है, मेमी के अंदर ब्रेस्ट के अंदर फैट की डिपोजिशन को बढ़ाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट ट्रिगर मेमोरी ग्लैंड टू स्टार्ट सिक्रीटिंग मिल्क. मिल्क सिंथेसिस को शुरू करवा देता है. तो वैसे तो मिल्क सिंथेसिस में मेजर रोल प्रोलैक्टिन का है, लेकिन मेमी को ट्रिगर करने का काम कौन सा हार्मोन करती है? HPL. नेक्स्ट आ जाते हैं CRH. रिसेंटली इस हार्मोन की डिस्कवरी हुई है. एंड व्हाट डू मीन बाय CRH? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ध्यान से सुने, ये क्लॉक की तरह क्यों बिहेव करता है? जैसे आपने सुना होगा कि वैसे तो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ +-7 डे, लेकिन कई फीमेल में देखा गया है कि डिलीवरी 7 मंथ में हो जाती है. तो ये कौन डिसाइड करता है? जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है, टोटली डिपेंड ओवर CRH. यदि फीमेल के ब्लड में अर्ली स्टेज में ही CRH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, इफ द लेवल ऑफ CRH इंक्रीजेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो बेबी कैसा डिलीवर होगा? प्री मैच्योर. और यदि 9 मंथ तक भी CRH नहीं रिलीज हो रहा, तो उसका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा चला जाता है. समटाइम कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जेस्टेशन पीरियड कंटिन्यू अप टू 10 मंथ और 12 मंथ. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैकी चैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका जेस्टेशन पीरियड चला था 12 मंथ का. तो जो जेस्टेशन पीरियड लेंथिंग है या पार्ट्यूरेशन का जो टाइमिंग है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? CRH. तो जैसे जैसे पार्ट्यूरेशन का टाइम नजदीक आता है, डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है, फीमेल के ब्लड में किसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है? CRH. बट इफ देयर लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग 6th और 7th मंथ, तो उस टाइम पे उसको कैसा बेबी डिलीवर हो जाएगा? प्री मैच्योर. तो CRH डिसाइड द टाइमिंग ऑफ पार्ट्यूरेशन. एंड नेक्स्ट कम ओवर रिलैक्सिन. नाम से क्लियर हो रहा है आपको, रिलैक्स कर दे. जो अब बेबी कंप्लीट डेवलप हो चुका है, नाउ रेडी फॉर पार्ट्यूरेशन, रेडी फॉर
डिलीवरी, तो उस टाइम पे जो सर्विकल सर्विक्स है, जो यूट्रस का माउथ है, उसकी ओपनिंग करानी है, तो ये पूरे प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, रिलैक्स करता है, वजाइना के और सर्विक्स के साइज को इलाज करता है ताकि डिलीवरी हो सके। तो रिलैक्सिंग प्ले वाइटल रोल इन पार्टुरेशन। तो ये दोनों हार्मोन फीमेल में कब देखे गए हैं, लेटर स्टेज ड्यूरिंग पार्टुरेशन इनका लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ रोल थे प्रोटीनिशियस हार्मोन के। नेक्स्ट कम ओवर स्टीरॉयडल हार्मोन। प्लेसेंटा स्टीरॉयडल हार्मोन भी रिलीज करता है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। इन तीनों का मेन काम है इंक्रीज द लाइनिंग ऑफ और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम टू मेंटेन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट कॉर्टिसोल। वैसे तो कॉर्टिसोल का जो मेजर सिक्रीशन है वो कौन करती है बच्चों, एड्रीनल कॉर्टेक्स। आपने पढ़ा था किडनी के ऊपर एक ट्राइंगुलर ऑर्गन होता है एंड दैट ग्लैंड इज सेड टू बी एड्रीनल ग्लैंड। उसको दो पार्ट में आपने पढ़ा था, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो कॉर्टिसोल जनरली कौन रिलीज करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। लेकिन माइनर अमाउंट में कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कॉर्टिसोल हेयर इंक्रीज ब्लड सप्लाई अक्रॉस प्लेसेंटा फॉर बेटर नरिशमेंट ऑफ फिटस। अनइंटरप्टेड फॉर प्लेसेंटा फॉर बेटर और अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई, कि किसी भी तरह से ब्लड सप्लाई रुके ना, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल। वैसे मेजर कॉर्टिसोल का सोर्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ कॉर्टिसोल इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। आप कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में कॉर्टिसोल कौन रिलीज करती है, कॉर्टेक्स, लेकिन माइनर अमाउंट में प्लेसेंटा भी रिलीज करती है ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहे फिटस के बीच में और मदर के ब्लड के बीच में। तो ये था वो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लेसेंटा। इस टॉपिक पे आप मेजर फोकस कीजिएगा। लास्ट टॉपिक हम कल करेंगे, लैक्टेशन एंड पार्टुरेशन। थैंक यू।